तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं सौरभ जोशी के बारे में। रिसेंटली एक बंदा सौरभ जोशी से मिलने के लिए उनके सोसाइटी पे आया था। तब सोसाइटी का गार्ड बोला सौरभ जोशी नहीं है। फिर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और ईट उठा के गार्ड को मारने गया। उसी के ऊपर सौरभ जोशी का रिएक्शन कुछ ये था। मारने को आया मेरे को ईटा लेकर के। ईट लेके? ये है ईट, यहाँ पर रखा है मैंने। कौन? वो सामने लोड़ा खड़ा है वो। यहाँ बैठा हुआ तो आगे। हाँ, जिस माँ अंदर को गए यहाँ पर बैठा था। क्या मिलने आया? मुझसे मिलने आया? मैं तीन दिन से वेट कर रहा था। गलत बात है। अगर मेरी गलती हो तो मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करोगे ना, तो फिर क्या होगा बताओ? आप सोचो ना। मैं उनके सॉरी मांगता हूँ। वो डंडा लेकर आ रहे थे इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, वरना मैं नहीं कहता उनको कुछ भी। आप ईंट उठा के मारोगे ना? नहीं सर, मैंने ईंट उठा के नहीं मारी। उसने मेरे को निकाल दिया। गार्ड की ड्यूटी क्या होती है कि भैया आप अपनी ड्यूटी करिए ना, किसी को अंदर नहीं आने देना, किसी जाने देना, सबकी आईडी लेनी। जब उसको सोसाइटी वन ने जो बोला है वही वो करेंगे ना। सॉरी वही करेंगे ना। सॉरी बेटा मुझसे नहीं कहना है आपको, सॉरी उनसे कहना है। आप उनसे माफ़ी मांगो, उनसे सॉरी बोलो। आप ऐसे कभी किसी से मिसबिहेव मत करना, ठीक है ना? जाओ जाके सॉरी बोल के आओ उनको। गाइस जैसे कि आपने देखा आज, और ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मिसबिहेव करते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग मारने को आते हैं। मतलब सभी नहीं, देखो आपने देखा होगा बीच में अच्छे से लोग भी मिलते हैं, अच्छी फैमिलीज भी आती हैं जो कि मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं गार्ड्स की। तो हाँ प्लीज़ गाइज इस तरह से मत किया करो, इससे हम्बल रिक्वेस्ट गाइज प्लीज़। क्योंकि वो गार्ड अंकल मेरे गार्ड अंकल नहीं है, वो सोसाइटी के गार्ड अंकल है, मेरे पर्सनल नहीं है वो। उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो मेरे सब्सक्राइबर्स को रोकेंगे। गाइज मेरे को तो बहुत बुरा लगता है यार गार्ड अंकल के लिए, बिकॉज मेरी वजह से बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ गाली देते, मारने को भी आते हैं कई लोग। तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको हमेशा सॉरी सॉरी बोलता रहता हूँ। मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ऐसा डेली होता है, डेली एक दो बंदे तो बहुत मिसबिहेव करते ही हैं और उल्टा सीधा बोलते ही हैं। नेक्स्ट न्यूज जाट प्रभजोत के बारे में। तो जाट प्रभजोत को फिर से नेपाल कोर्ट से एक नोटिस मिला और फिर जाट प्रभजोत को उस एक्सीडेंट केस के लिए नेपाल जाना पड़ा। तो नेपाल में जो विटनेस था वो जाट प्रभजोत के साथ स्कैम किया। उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ था आप लोग खुद देख लीजिए। क्या कह रहे हैं वो 10,000 का क्या किया? नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं पैसे नहीं दिए मेरे को, ठीक है। हम आए आगे बैठेंगे, गेस्ट हाउस के खर्चे एक्सपेंसेस जितने भी है, पैसे मेरे को एक भी नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए मैंने आपका गाड़ी नंबर पुलिस को दे दिया, आपको दिक्कत हो सकती है आप वहीं पे बैठ जाओ, बोल रहे जहाँ पर है वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कितने पैसे मांग रहा? 20,000 गाड़ी के आने जाने के। आने जाने के। और रहने का? रहने का अलग से 10,000। बस पुलिस वालों ने हमें रोक लिया है, और पुलिस वालों की गलती नहीं है, मतलब पुलिस वालों को पता नहीं हुआ क्या है, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, जो हमारे विटनेस आए थे ना, तो अब वो पैसे मांग रहे कि हम आए तुम्हारे लिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अरे भैया, तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है भैया आप थाने आ जाओ, भले ही मैं बंद करवा दो, लेकिन फालतू के पैसे हम नहीं खर्चेंगे। लेकिन एट दी एंड हुआ वही, हमें वहाँ से पैसे देने पड़े जितने वो लोग मांग रहे थे और दे के निकल लिए। वैसा होता ना कि हाँ किसी इंसान का उतना फ़ायदा उठाओ जितना वो सह ले, लेकिन उठाई जा रहे। तो आज ऐसा हुआ कि वो सर के ऊपर से ना पानी निकल गया, मतलब लिटरली मेरे को रोना सा आ रहा था। नेक्स्ट न्यूज एल्विस यादव के बारे में। रिसेंटली एल्विस यादव कार से जा रहे थे और तब एक कार उनका पीछा कर रहा था। तो एल्विस यादव के रिसेंट ब्लॉग में से वो वाला पार्ट आप लोग भी देखिए। ये वाली गाड़ी ना मेरे गैर लगा रखी है, देखो ये जो आ रही है ना, ये मेरे गैर लगा रखी है। मैं इसके लिए कहता हूँ कि ये सब मत किया करो भाई, प्लीज मत किया करो, है ना। आज वाली गाड़ी भी इको है, इको नू भी ना, कोई सोवर गाड़ी हो नॉर्मल सी इको, जैसा भी चार जने निकल के गोली दाग देंगे। इन सब चीज़ों के बारे में बोल दूँ तो पब्लिक, एल्विस भाई आप तो मिलना नहीं चाहते किसी से, आप में तो घमंड आ गया। एल्विस भाई में घमंड ना आया, एल्विस भाई का सिक्योरिटी डिजन रहा है भाई। तुम चाहो ना एल्विस भाई रोज ब्लॉग बनावे तो एल्विस भाई के पीछे मत घूमा करो भाई, प्लीज भाई। नेक्स्ट न्यूज UK07 राइडर के बारे में। UK07 राइडर उनके रिसेंट ब्लॉग में बोला कि 6 मिलियन होने पर उनके तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा। उसी के बारे में UK07 राइडर क्या कहा आप लोग खुद देख लीजिए। ये लोग ना दिल्ली एक बहुत बड़े सरप्राइज के लिए गए थे। 6 मिलियन पे ना एक ऐसी चीज आ रही है ना जो किसी ने कभी सोच भी नहीं सकते ना, नहीं सोच सकते 6 मिलियन। 6 मिलियन पे वो आ रहा है जो सोचा नहीं हो। मैं एक चीज बता रहा हूँ ब्रो, सेना के हर एक मेंबर से ये मेरा एक वादा है, 6 मिलियन का सरप्राइज जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना गाइस, रुला देंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मतलब मस्टांग ड्यूटी में भी इतने खुश हुए होंगे। अगर अगर आप भैया का कलेक्शन देख के खुश हो तो फिर अब आप ये कलेक्शन देख के रो जाओ। ये याद रखना गाइस कि बाबू भैया जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, 6 मिलियन का सरप्राइज इज गोना मेक एवरीवन इमोशनल, सब लोग बहुत इमोशनल होने वाले हैं 6 मिलियन के सरप्राइज पर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।